Do you know what this is? ये लग रहा है कि एक लकड़ी के ऊपर एक ग्लोब लगा दिया है और ये जल भी जाता है. So it's a lamp. Now household items से ये जो आज हम आपको demonstrate करेंगे या दिखाएंगे जो display of lamps है, ये सब घर के सामान से बने हुए हैं. नुमान खान की ये speciality I would say. अस्सलामुअलैकुम. So ये सारे नुमान घर के जो materials हैं उससे बने हुए lamps. बिल्कुल. Like anything which you think is a waste. So right. I think आप उसको waste नहीं कर सकते. ये क्या waste material था फिर? ये मेरे garden में जो है वो lawn में कुछ दरख्त लगे हुए हैं और उसमें से जो है वो branches जो है वो गिरती रहती हैं. अच्छा. तो I just didn't want to waste them. इसको मैंने लेके paint किया और उसके बाद इसके ऊपर जो है वो ये globe attach करके. ये globe मिल जाते हैं आम? ये easily available हैं. घर में भी पड़े? Very cheap. या घर में भी हो सकते हैं. अच्छा, मतलब gate पे जो लगे हुए globe हैं वो उतार के इंसान यहाँ लगा. इसकी wiring कैसे की आपने? Wiring कुछ भी नहीं. Wiring इसको पीछे से हमने height किया हुआ है. Like इसके अंदर जो है होल्डर होता है, बल्ब होल्डर. उसके बाद इसकी आप वायरिंग पीछे से करके आपने जहाँ रखना है आप इसको इस साइड को आप बैक करके. अच्छा. ओके. और ये मिट्टी का जो पॉट है ये तो ये पॉट में ये हमारे क्ले पॉट्स हैं. ये तो नॉर्मली लाइक आपको आपने देखा हो नर्सरी वालों के पास बहुत सस्ते मिल जाते हैं. और इसमें मिट्टी भर दें हम? मिट्टी भर दें या कोई भी चीज आप इसको होल्ड करने के लिए इस पे आप लगा सकते हैं. दिस इज ब्यूटीफुल. ये नॉर्मली इंसान के अपने लाउंज वगैरह में लगा सकते. एग्जैक्टली एग्जैक्टली लाउंज में. ओके, नाउ व्हाट एल्स डू वी हैव? कुछ आप आगे करके भी हमें बताएंगे? बिल्कुल. छोटे सी डेमोंस्ट्रेशन में आपको देता हूँ कि हाउ यू कैन क्रिएट योर लैम्प योर ओन. लाइक ये घर में जो है वो एक बड़ा खूबसूरत सा जग था, जूस जग. और फॉर सम रीजन जो कि यूज़ नहीं हो रहा था, सिरेमिक का था और ये रखा रहता था मेरे फ्रिज. मेरी अम्मी तो कभी ना यूज़ करने दें मुझे, कहेंगी कि नहीं नहीं मुझे ये पानी इसमें डाल के कभी मेहमान आ जाते. एग्जैक्टली. तो इसको फिर मेरे जहन में आया कि अच्छा मेरे पास प्लस ये कि ये एक लैम्प शेड था. अच्छा. जो कि लाइक वेस्ट हो रहा था और जो कि मैं फेंकने वाला था. अच्छा. तो फिर व्हाई नॉट टू क्रिएट अ लैम्प आउट ऑफ दिस. तो उसके बाद फिर इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ. okay. कि अच्छा इसकी लाइक इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास ये जग था. आपके पास जो भी हो यू कैन यूज एनी थिंग. मतलब शीशे का जग भी यूज कर सकते? या नो प्रॉब्लम. या उसमें थोड़ा सा आपको बस वो हाइट करना पड़ेगा कि अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो अगर अंदर आप उसमें कोई फिलिंग कर रहे हैं. कुछ कर रहे हैं तो ग्लास पेंटिंग के जो पेंट ग्लास पेंटिंग कर सकते हैं. इवन आप अंदर उसमें ग्लास बीड्स भी फिल कर सकते हैं. यू नो कलर्ड ग्लास बीड्स. या अगर आप उसको मोनो का एक सिंगल कलर देना चाह रहे हैं तो आप उसमें उसको भी लाइक फिल करके, क्योंकि ऊपर से जब लाइट आएगी तो वो आपका जो ग्लास वाला जो पोर्शन होगा उसको भी वो पूरा उसी कलर में लिट अप करेगा. ओके. सो नाउ ये हमने जग लिया, कोई भी सिरेमिक का, शीशे का, कोई भी सिरेमिक हो, ग्लास हो, कुछ भी हो. अच्छा, उसके बाद देन आई हैव गॉट दिस पीवीसी पाइप. और इट्स लाइक ये तो बहुत नजर आते हैं पड़े. या बहुत पड़े हुए होते हैं. लाइक घर में इजीली अवेलेबल हैं. इसमें लाइक नो इश्यूज. और दिस इज लाइक प्योर प्लास्टिक पीवीसी पाइप. या देन ये पैकिंग मटेरियल. ठीक है, ये घरों में नॉर्मली अगर कुछ आता है तो वो इधर उधर कहीं हम संभाल के रख देते हैं कि जी कभी जरूरत पड़ सकती है. तो इसको हम जो है वो यूज करेंगे. और डेफिनेटली लैम्प शेड. इसको आपने पेंट किया हुआ है? इसको मैंने हल्का सा स्प्रे या इसको मैंने हल्का सा टेक्सचर्ड किया है. अच्छा. और ये जो है वो लाइक या कागज का है, नॉर्मल जो होता है. इसको मैंने हल्का सा रस्टी ब्राउन जो है वो टेक्सचर किया है. या स्प्रे से आप कर सकते हैं. या नाउ वी हैव जग. पीवीसी पाइप लाइक साइजिंग आप करवा सकते हैं. इसको आप घर में भी काट सकते हैं और लाइक नॉर्मली बहुत इजी होते हैं. इजी टू काट, यू कैन काट इट. अच्छा, इसके बाद मैंने इसमें जो है वो ऊपर लाइक कुछ नेल्स लगा दी हैं. इजीली इसके अंदर चली जाती हैं और ताकि ये इस शेड को होल्ड कर लें. ठीक है. मतलब इसको क्या फिक्स करना पड़ता है या खुद ही जाके फिक्स हो जाती है? फिक्स हो जाती हैं बिकॉज ये इतना स्ट्रांग होता है कि ये अंदर रख के और ओके. अच्छा जी, ये मैंने जो है वो इसको जो है मैंने राउंड इस जग के शेप में काट लिया ताकि इसके अंदर फिक्स हो जाए. बिकॉज वी नीड टू गेट इट फिक्स. ओके. ठीक है. अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ. राइट टिल द टॉप. या अच्छा, इसमें आप जो है वो पहले चाहे तो आपको शेड आप इसका फिक्स कर दें. अच्छा, इसको एक तो पाइप भी शेड के उसमें फिट आ जाए. ये भी मसला होता है कि पाइप जो है वो अगर आप शेड अपना खुद बना रहे हैं तो वो तो आप किसी भी साइज का दे सकते हैं. या अब जो नील्स थी उन्होंने इसको जो है यहाँ से आपको एक वो दे दी है और ये नीचे नहीं आपका स्लिप नहीं करेगा. ठीक है. और उसके बाद
और ताकि ये बैलेंस्ड हो जाए। ये बैलेंस्ड हो जाए एग्जैक्टली। अंदर तो कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं है। आप अंदर चाहें तो एक, मैंने वैसे ये एक रखा हुआ है एक और पीस इसका, ताकि वो उसकी होल्ड अच्छे हो जाए, इसको ना स्ट्रॉन्गली इसको होल्ड कर जाएगा। या इसमें एक्चुअली अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हैं, लाइक आई कुडंट गेट एक्चुअली, मैं चाह रहा था कि मैं इसमें जो है वो ग्रीन कलर की कुछ बीट्स डाल दूँ, और यू नो दिट्स लाइक ब्लू येलो एंड ग्रीन, तो ये आपका लाउंज एरियाज या आपका लॉन या कोई यू नो इस तरह का एरिया जहाँ पर कोई वुडन चीज़ यूज़ हो रही है उसमें बहुत अच्छा लगता है डेफिनेटली। इसमें मैंने एक चीज़ आपको, क्योंकि मैंने दिखाना था शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो आई कुडंट डू दैट, तैयार करके एग्जैक्टली इसमें आपने वायरिंग करनी है, लाइक उसमें भी कुछ नहीं है जैसे मैंने आपको बताया कि इस वाले लैंप में या जिसमें हमारे पास खुद क्या करवानी पड़ती है, खुद कर नहीं नहीं खुद करते हैं, लाइक बल्ब लिया एग्जैक्टली, ठीक सेरामिक्स के होल्डर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्डर्स मिलते हैं सेरामिक के बल्ब होल्डर्स, और उनको जो है वो आप लाइक इसमें जो है वो अंदर फिक्स कर सकते हैं आप तार से, वायर से, शटरिंग वायर होता है उससे, राइट, और यहां लाके और ये वो तो अंदर से आ जाएगा, आपका वायर अंदर से आ जाएगा। अब डेफिनेटली आप इसमें जो है वो होल्ड करना पसंद नहीं करेंगे, आप ये रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, तो आप इसको जहाँ रखेंगे, लेट्स से कि आपने इसको इस तरह से रखना है, दिस इज द फ्रंट पार्ट, अच्छा तो ठीक है, तो आप पीछे से उसको जो है वो स्टिक करके या ये भी स्टैंडिंग लैंप है, ये भी डेफिनेटली स्टैंडिंग लैंप है, इसमें थोड़ा सा मैंने इसको रॉ फील दी है, बिकॉज थोड़ा सा नेचर जो है वो लेने की लाने की कोशिश की है। ये वुडन पीसेस मेरे पास पड़े हुए थे, अच्छा, तो ये लकड़ी के आम टुकड़े हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, आई जस्ट नेल देम डाउन, इनको मैंने आपस में जोड़ के एक एक कील से, और इनको मैंने एक स्ट्रक्चर दिया। उसके बाद सिंपली ये भी मैं अगर आपको बताऊँ तो इसमें लाइक यू कैन सी दैट कि इसमें यही टोटल फ्रेम बना हुआ है और उसके ऊपर ये कपड़ा मैंने चढ़ा दिया। और ये इसके नीचे और ये बेस, ये सिंपली कोई भी आप चिपबोर्ड ले सकते हैं, आप कोई भी बारीक सी शीट हो आपके पास। नौमान, वी हैव अ कॉल ओवर द हिना फ्रॉम इस्लामाबाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? फाइन। अच्छा ये बताइए कि कोई आपकी आर्टिस्टिक सलाहियतें हैं या कोई ऐसा शौक है कुछ बनाने का? हाँ जी। तो कोई सवाल पूछोगी नौमान से? हाँ जी पूछूंगी। तो पूछ लो। लैंप के अलावा भी कुछ बना सकते हैं? लैंप के अलावा भी कुछ बना? लैंप के अलावा क्या, काफी सारी चीजें, लाइक आप घर के आइटम्स में से पूछ रही हैं कि घर की चीजें यूज करके? हाँ जी, या घर की चीजें यूज करके, लाइक लैंप्स तो हो गए हमारे, और इसके अलावा शेल्व्स, शेल्विंग होती है, शेल्व्स हो सकते हैं, और आपके टेबल्स, आई एम लाइक यू नो द एक्सपर्ट टेबल टॉप्स, और लाइक घर की चीजों से, और आइडियाज तो बहुत सारे, थाउजेंड्स मिलियंस या अनलिमिटेड, थोड़ा सा ये कि अपना ज़हन इस्तेमाल करें, थोड़ा शौक रखें इंसान। थैंक्स फॉर कॉलिंग है ना। अच्छा जी, सो यू हैव दिस, इसके अबू वाला, इज दैट डिफरेंट? या इसका शेप डिफरेंट है, और सबके बेसिकली लकड़ी की फ्रेम आपने सबकी बनाई, सिंपली लकड़ी है, और आप देखिए मैंने उसको ज्यादा फिनिश भी नहीं किया है, अगर आपको गौर से देखें, इंसान को ज्यादा वो कार्पेंट्री वगैरह की नॉलेज ना हो, एग्जैक्टली, तो इसको सिंपली जो है वो वही अगेन फ्रेम बना के, स्ट्रक्चर बना के, उसके ऊपर कपड़ा मैंने लगा दिया है, ठीक है। अगर हम अंदर से भी देख लें, हाँ इधर यू कैन सी, देखिए मैंने कपड़ा बल्कि थोड़ा सा छोड़ दिया है कि मैं आपको दिखा सकूं कि दिस इज द फ्रेम, और इसमें नथिंग एक्स्ट्रा, नो एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ नहीं है, कपड़ा जस्ट लेके मैंने इसमें इसको अंदर मोड़ा है, और एक छोटी सी इसमें नेल लगा दी, दैट्स इट, और अंदर आपके अगेन वही होल्डर है जो मैं इनको कह रहा हूँ, आई थिंक कैन बी शो दैट, हां जो होल्डर है, या ये वाले सी, ओके, अच्छा रहे हैं, मुझे पता है चॉइसेस बड़ी हैं इस वाले का, हां क्या चीज हम, ये हमारा सिरेमिक होल्डर है, इट्स लाइक दिस मच ऑफ साइज, ये इट्स प्रीटी स्मॉल, या ओके, ये कहीं भी मिल जाता है ना, ये बहुत इजीली अवेलेबल है, इसके लिए इलेक्ट्रिशियन की जरूरत कुछ नहीं है, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, अगर आपके पास ये वायर भी इवन, थोड़ा सा केयर डेफिनेटली करनी पड़ती है कि करंट से बचाव के तरीके आपको पता होने चाहिए। अच्छा तो पेंट कौन सा आपने यूज किया है लकड़ी के फ्रेम पे? पेंट इसमें आप लाइक पोस्टर कलर्स भी यूज कर सकते हैं, आप स्प्रे पेंट्स यूज कर सकते हैं, और आई वुड सजेस्ट वन थिंग कि अगर आप वुड ले रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वुड नजर आए, लाइक ग्रीनी वुड, तो आप उसमें जो है वो लाइक उसका जस्ट लैकर लगा दें, स्प्रे होता है लैकर का, और उसके बाद वो नेचुरल वुड भी नजर आएगी, और आपका लैंप शेड भी तैयार हो जाएगा। अच्छा, यू नो अनदर थिंग आई वाज थिंकिंग, बच्चों के साथ ये एक्टिविटी कितनी अच्छी रह सकती है, कि एक हॉबी घर के अंदर, थोड़ा जाहिर है कीलों वीलों का केयरफुल होना पड़ता है, और इसमें आप इवन बच्चों के कमरों के लिए लाइक सो दैट दे कैन टेक इंटरेस्ट, आप उसमें यहाँ पे लाइक कोई कार्टून कैरेक्टर्स, यू नो
बल्कि ऐसी एक पॉट उनको देके आप कहेंगे खुद इसके ऊपर पेंट करो, राइट? और फिर उनके कमरे में सजाएं, तो इट्स अ लवली आइडिया. थैंक यू सो मच नुमान. आई थिंक दिस इज अ ब्यूटीफुल हॉबी, इट्स अ वंडरफुल आइडिया. बड़ी अम्यूजमेंट, एंटरटेनमेंट एंड ब्यूटी है इसके अंदर. सो ऑल द बेस्ट टू यू, एंड आई थिंक यू शुड कंसीडर बिजनेस इन इट. आई विल नाउ. ओके, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस. अच्छा जी, छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं. ब्रेक के बाद आपका टाइम है पार्टिसिपेट करने का. सो स्टे नियर योर फोन्स. आपसे सवाल पूछेंगे, जवाब आपने सही देने तो आपके लिए एक गिफ्ट रेडी होगा. सी यू आफ्टर द ब्रेक.